कुछ करना है? नहीं नहीं नहीं, करना कुछ नहीं है, करने वालों को मैं नहीं मिलता। धर्म कर्म करेगा स्वर्ग जाएगा, मैं नहीं मिलूंगा। योग करेगा तो रिद्धि सिद्धि मिलेगी, मैं नहीं मिलूंगा। मैं तो कुछ ना करने से मिलता हूँ। सरेंडर कहते हैं, कुछ न करना माने शरणागति। ऐसी कृपा कौन करेगा विश्व में, कुछ न करने पर सब कुछ दे दे और कुछ कुछ करने वालों को कुछ कुछ दे। तो ये तमाम कृपाएं हैं, अगर उनकी कृपाओं को करोड़ों कल्प तक कोई लिखा करे तो भी अंत नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी कृपा कृपालु जो मानता है वो क्या है? देखिए, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है, वैसे तो इसका सीधा सा उत्तर है कि भगवान कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते ना। हम लोग तो चाहे कृपा करें, चाहे कोप करें, चाहे न्याय करें, लेकिन भगवान वे कृपा के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अरे इतने राक्षसों को मारा, अरे तो कृपा है। मारने के बाद क्या हुआ? सब गोलोक गए। जिसको जिसको भगवान ने मारा वो सब भगवान के धाम को गए, सदा को आनंदमय हो गए। और जी जिसको दंड दे रहे हैं पाप का, अरे वो भी कृपा है। अगर दंड न देते तो कोई भगवान की ओर चलता ही ना, सब आवारा हो जाते। अरे अभी आवारा है हम लोग, और अगर दंड न मिले पापों का तब तो फिर हम लोग भगवान माने अपने आप को। तो भगवान कृपा के सिवा कुछ नहीं कर सकते। सर्वत्र कृपा, दुनिया क्यों बनाया? मुख्यंतस्य हि कारुण्यम्, करुणा के कारण। हम लोग भगवान के महोदर में, महाप्रलय में लीन हो गए थे। न हमारे शरीर था, न इंद्रिय मन बुद्धि थे, न सूक्ष्म शरीर था। केवल संस्कार था हमारे कर्मों के। तो भगवान को दया आई कि ये बिचारे अंदर पड़े हैं पेंडिंग में, अर्थात कुछ नहीं कर सकते, इनको बाहर निकाले और वेद को प्रकट करें कि देखो जी, मैं तो कृपा करने को तैयार हूं, जो मेरी शरण में आ जाए बस। कुछ करना है? नहीं नहीं नहीं, करना कुछ नहीं है, करने वालों को मैं नहीं मिलता। धर्म कर्म करेगा स्वर्ग जाएगा, मैं नहीं मिलूंगा। योग करेगा तो रिद्धि सिद्धि मिलेगी, मैं नहीं मिलूंगा। मैं तो कुछ ना करने से मिलता हूं। सरेंडर कहते हैं, कुछ ना करना माने शरणागति।
ऐसी कृपा कौन करेगा विश्व में, कुछ ना करने पर सब कुछ दे दे और कुछ कुछ करने वालों को कुछ कुछ दे। जैसे जब हम लोग पैदा हुए तो हम कुछ नहीं करते थे, तो माँ सब कुछ करती थी। हम कुछ कुछ करने लगे तो माँ ने कुछ कुछ कम कर दिया, और हम जब सब कुछ करने लगे तो माँ निश्चिंत हो गई, करो करो। तो ये तमाम कृपाएं हैं, अगर उनकी कृपाओं को करोड़ों कल्प तक कोई लिखा करे तो भी अंत नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी कृपा कृपालु जो मानता है वो क्या है, वो ये है कि भगवान ने अवतार लेकर अपना नाम, अपना रूप, अपना गुण, अपनी लीला, अपने धाम जो छोड़ा, अब तो चले गए कुछ दिन रहकर, तो उनमें वो स्वयं बैठे रहे और चले भी गए। क्या क्या मतलब, यानी उन्होंने जैसे अवतार लेके अपना एक नाम बनाया, नंद नंदन है मेरा नाम, मेरे पिताजी हैं नंद जी, गोपी जन बल्लभ है मेरा नाम, गोपाल है मेरा नाम, जो जो लीलाएं की उसके अनुसार नाम पढ़ते गए। तो ये जो नाम बनाया उसमें स्वयं बैठ गए कि देखो भाई, तुम लोगों को न मंदिर जाना है, न मस्जिद जाना है, न मेरा लोक ढूंढना है, मैं इसी नाम में सदा बैठा रहूंगा। और सब शक्तियों को लेके बैठूंगा, खाली नहीं। नाम नामकार बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। दूसरी कृपा, मेरा नाम लेने में कोई शर्त नहीं, कानून नहीं, कायदा नहीं कि नहा के लेना चाहिए भगवान का नाम, शुद्ध है भगवान, गंदगी में नहीं लेना चाहिए, ना ना ना, हजार कुंटल पाखाना लपेटे रहो और बोलो राधे राधे, डरो मत। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक भक्त दिन भर हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे बोलता था। बोलते बोलते उसकी ऐसी आदत पड़ गई कि सोते सोते भी बोले, लेटरिन जाए तब भी बोले, बाथरूम जाए तब भी बोले। किसी ने सुन लिया भक्त ने, उन्होंने शिकायत की कि महाराज जी ये बाथरूम वगैरह जाता है तब भी हरे राम बोलता रहता है गंदगी में। तो महाप्रभु जी ने कहा ठीक है ठीक है, उससे कहो मुझसे क्यों कहते हो। तो उससे कहा कि देखो तुम हर समय न बोला करो गंदगी में भगवान का नाम। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप लोग कहते हैं तो नहीं बोलूंगा। तो अपना मुंह को बंद कर ले हाथ से, फिर जाए बाथरूम वगैरह। तो फिर शिकायत किया महाप्रभु जी से लोगों ने,
तो महाप्रभु जी को बोलना पड़ा कि देखो बच्चों, ऐसा है कि भगवान के किसी सामान को कोई गंदगी गंदा नहीं कर सकती। ये रट लो, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम उनके संत, ये सामान ऐसे हैं कि कोई गंदी चीज इनको गंदी नहीं कर सकती। कोई गंदी चीज का संपर्क इनसे होगा तो वो शुद्ध हो जाएगी। रवि पावक सुरसर की नाई, इसलिए किसी भी गंदगी में रहो। अरे जब भगवान सर्वव्यापक है, वो तो नहीं कह रहा मैं गंदगी में नहीं रहूंगा, मंदिर बनवाओ उसी में रहता हूं मैं। हम लोग क्या कहते हैं अपने बच्चों से, हे बदतमीजी न करो, मंदिर है। ऐ बच्चे को संभाल के नहीं रखते, मंदिर में बाथरूम कर दिया। तो वो बच्चे ये सोचते हैं मन में कि मंदिर में बदतमीजी नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान है, बाहर बदतमीजी करो क्योंकि वहां तो भगवान है ही नहीं। लो बच्चों को आपने बर्बाद कर दिया ये उपदेश दे करके कि मंदिर में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, मंदिर के बाहर करो। ऐसा नहीं है, सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र उनका स्मरण करो, सर्वत्र नाम लो गुण गाओ, इतनी कृपा। और देवता लोग क्या कहते हैं, है खबरदार, अगर एक मंत्र के बोलने में एक अक्षर में एक स्वर भी गलत हो गया तो मैं उल्टा कर दूंगा, दंड दूंगा। और मनुष्य भी यही कहता है कि अरे आज चाय में नमक डाल दिया, ऐ निकाल दो इस नौकर को, ये पागल हो गया है। हुजूर ऐसा हुआ कि आपका बच्चा गया था रसोई घर में और उसने जो जिसमें लिखा हुआ था नमक उसमें चीनी और चीनी वाले में नमक, ये गड़बड़ कर दिया आपके बच्चे ने। ना ना ऐसा नहीं कर सकता मेरा बच्चा। लो जरा सी गलती हुई कि निकाल दिया नौकर को, 20 साल पुराना नौकर। संसार माफ नहीं करता। और देवता लोग तो और कड़े कड़े नियम वाले हैं, यज्ञ करो कुछ भी करो कर्म धर्म कड़े कड़े नियम है, लेकिन भक्ति करने में कोई नियम नहीं। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, न तो काल का नियम न देश का नियम। और संध्या करना है, ऐ किधर मुंह करके बैठा है, पश्चिम। अरे गधा सबेरा है, पूरब की तरफ मुंह करके बैठो। जब संध्या वाला शाम को संध्या करो तब पश्चिम की तरफ मुंह करो। और देखो ये जहां बैठे हो ना इस जगह को शुद्ध करो और अपने आप को शुद्ध करो। सबसे पहले मंत्र बोलते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाहिजाभ्यंतर शुचि। पंडित लोग ये मंत्र बोलते हैं और आपसे कहते हैं पानी ऊपर छिड़को,
अपने को पवित्र करो। ये मंत्र में कहां लिखा है कि पानी छिड़को? मंत्र में तो ये लिखा है कि जो भगवान श्री कृष्ण का मन से स्मरण करे तो शुद्धि होगी। और पंडित जी ने आपको क्या कहा कि वो हाथ में पानी लेके छिड़को, बस शुद्ध हो गए तू। ये क्या मजाक है भाई? ये पद्म पुराण का मंत्र है जो मैं बोल रहा हूं। हर एक पंडित बोलता है, कोई भी यज्ञ कर्म धर्म शादी ब्याह हो तो भगवान कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए कोई नियम नहीं रखते। अरे ऐसी माँ, भला माँ अगर गंदगी से डरे तो उसका बच्चा गया, वो पाखाना भी करेगा, पेशाब भी करेगा माँ के ऊपर। कितनी गंदगी दिन भर निकालता रहता है नाक से मुंह से सब, और माँ उसी के मुंह में मुंह डाल देती है। दूसरे के बच्चे के लिए नहीं डाल सकती, अपने बच्चे के लिए। कोई उसको गंदगी नहीं फील होती है। ऐसे भगवान हैं दयालु। तो भगवान ने अपने नाम में सब शक्तियां भर दी हैं कि तुमको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तुम कह दो कि हमारा तो पैर ही गायब है, अब बताओ हमको भगवत प्राप्ति फ्री कराई जाए, हम मंदिर नहीं जा सकते, हम तो सूरदास हैं, हम कैसे मंदिर जाएं दर्शन करें आपके? कोई जरूरत नहीं आँख की, किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं, मन है। हाँ मन तो गधों के भी है, सबके होता है मन। तो बस मन से मेरा स्मरण करो, मन से प्यार करो। शरीर संसार को दो, मन मुझको दो। तो भगवान नाम में भगवान की सब शक्तियां हैं, ये ध्यान दो, रियलाइज करो, सोचो, विश्वास करो, ये फेथ बैठाओ बार बार सोच के। हम जो राधे कह रहे हैं इसमें राधे रानी बैठी हैं। अच्छा, तब उसका रस मिलेगा। जो जो विश्वास बढ़ाओगे त्यों त्यों एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि राधे नाम बोला नहीं जाएगा। सुखदेव परमहंस इतनी बड़ी भागवत 18,000 श्लोक के सुना गए और राधे नाम नहीं बोले। वो इतना मधुर उनके लिए था कि मूर्छा हो जाती। और 7 दिन में परीक्षित का उद्धार करना था। तो इसलिए भगवान नाम में ये विश्वास जमाना है।